मुझे दुख है कि वादे के मुताबिक मैं अभी तक आपको कहानी नहीं भेज पाया हूं। उस कहानी के लिए जिस महान नायक की मैं कल्पना कर रहा था वो आपसे भी ज्यादा बेसब्रा निकला। क्या नाम बताया? फटीचर। देखो बेटा, क्या है कि मेरी दुकान में मेरी बेटी ही मेरी मदद करती है। नमस्ते। मैंने तुम्हारा काम तो देखा नहीं है। यस सर। जब तक तुम्हारा काम ना देख लूं मैं तुम्हें नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? पापा जी, अब जो भी दुकान में आएगा उससे इसी को बात कर लेने दीजिए। देखा कितनी होशियार है। खा बेटी खा। अरे कर्नल साहब आइए आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। क्या करूं भाई, जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से घर में बैठा मक्खी मारता रहता हूं। एक मक्खी मारने वाला हथियार चाहिए। ये लीजिए सर, 75 रुपए। 75 रुपए? यस सर। मगर 2 महीने पहले तो पास वाली दुकान के सेल्समैन बाकी ने मुझे 25 रुपए का दिया था। 25 रुपए में दिया था? हाँ। उसने ये बताया था कि इसे मक्खी किस तरह से मारी जाती है? नहीं, जो नहीं बताया था ना। 50 रुपए सिर्फ इस बात की डेमोन्स्ट्रेशन के हैं कि मक्खी किस तरह से मारी जाती है। गुप्ता जी ने एक मक्खी को तनख्वाह पे रखा हुआ है। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। लेकिन तुम्हें एक काम और करना है। कहिए सर, तनख्वाह के बारे में तो वैसे बाद में बात कर सकते हैं। वो ये कि साथ वाली दुकान वाला सेल्समैन बांके हमारे ग्राहक तो तोड़ता ही है, साथ में मेरी लड़की को भी छेड़ता है, जिसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप रोइए मत सर, रहसे बाल भी उड़ जाएंगे। आपने देखा गुप्ता जी कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। आपका नाम? कुमारी मीना। कुमारी मीना, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं जो आ गया हूं। मैं बांके को ठीक कर दूंगा सर। बांके, तूने मीना कुमारी को छेड़ा? तू हमारे ग्राहकों को फुसलाता है? हिम्मत है तो सामने आ डरपोक। डर के मारे तेरी बोलती क्यों बंद है बांके? बांके, तेरी बोलती क्यों बंद है? बांके, तू बर्बाद हो जाएगा। बांके, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। Ha ha ha!
देखो देखो बाकी है, रोना नहीं, ये लो टॉपिक का वो देखो बाकी है, मैंने तेरे को ये के लिए समझाया था उसके हाथों पीटने के लिए, ताकि ये बाकी है वो गुप्ता जी का काम छोड़ के भाग ना जाए। देखो बाकी है, अगर तुम उसको पीट देता और वो भाग जाता तो गुप्ता जी की आईची की ताईची कौन करता। बाकी है देखो, कल तुमने वो घी का डिब्बा चुराया था ना, चुराया था ना, वो उसका पैसा तेरी तनखा में से नहीं काटेगा। अन्ना और पिट लू उसके पास जाके मैं। पापा जी, अरे इसने तो हमारी दुकान की काया पलट दी। फटीचर, नमस्ते सर। सर मैंने सारा का सारा सामान इधर से उधर कर दिया सर, अब आपको कोई भी चीज ढूंढने में सिर्फ 100 सेकंड का टाइम लगेगा सर। तुम बहुत टैलेंटेड हो, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। कौन? वो लेखक, राइटर। पागल है कौन? चलो मुझे समझा दो कि तुमने दुकान में क्या क्रांति की है। मैं जरा जल्दी में हूँ तो मुझे नहाने का कोई साबुन चाहिए। यहाँ नहाने का या घर पे नहाने का? नहीं, अपने गुसलखाने में। आइए। अरे दे रहा हूँ साबुन, चिल्लाओ मत। साबुन कहाँ रखे, कहाँ रखे साबुन? अरे भाई साबुन कहाँ रखे? आप बताइए क्या चाहिए आपको, मतलब इनको क्या चाहिए? मुझे साबुन चाहिए, साबुन साबुन चाहिए इनको। कहाँ रखे साबुन, कहाँ रखे साबुन? अरे फटाफट इनको साबुन दो, बहुत जल्दी में। मैं जल्दी से सोचता हूँ। जल्दी जल्दी सोचो, मैं जल्दी जल्दी साबुन दो। मीना साबुन दो। तुमने तो मुझे सिर्फ यही बताया है कि मोटी औरतों से पापड़ अचार और गरम मसाले के बारे में पूछ लिया करो। मतलब मैंने तुम्हें साबुन के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। पक्का? पक्का 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 पक्का। अरे भाई मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना आपको, पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जी कह रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं। बात यह है गुप्ता जी, अंकल आप अंकल पहले ये बताओ कि तुमने मुझे अंकल कैसे क्या दिया, और दूसरा ये कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूं क्यों? अरे आपको साबुन चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। अब जल्दी बोलो ना। ठहरिए सर, आप दोनों से ज्यादा मीना का जानना जरूरी है, क्योंकि ग्राहकों से तो मैं और मीना ही डील करते हैं ना। मैंने क्या किया है कि इस दुकान के पूरे सामान को इधर से उधर करके करीने से लगा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड ना सर। तो भाई साहब उसके बाद क्या किया है कि सारे सामान को एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी डायरी में नोट कर दिया है। लेकिन कहो सगर बात है क्या? पहले दो जगह पे लिखा हुआ है, वहां पे धूम्रपान से फेफड़ों के पखचे उड़ जाते हैं, इन लोगों की समझ में नहीं आती बात। हाँ अब सुनिए। हाँ बताइए। मैंने इसलिए उस डायरी के अंदर सब कुछ लो, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ, आप तो बाहर क्या थे? अरे मेरे बाप मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुत्ता जी, मैंने उस लाल डायरी के अंदर इसलिए सब कुछ नोट कर लिया था ताकि ग्राहक को कोई भी चीज देने में देर ना हो। सबोल जैसे कि इन्होंने हमसे कोई मांगा। मांगे साबुन? साबुन। आपने फौरन डायरी खोली और उनके हाथ में थमा दिया। डायरी साबुन तो लाओ ना। साबुन, एक मिनट, मेरी डायरी कहाँ पे है? यही भी तो रखी थी मैंने, मेरे खास सॉस की बोतल के पीछे होगी। मीना तुमने मेरी डायरी देखी है? कौन सी डायरी? वो छोटी सी प्यारी सी लाल सी डायरी जिसकी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अब गुप्ता जी मेरे ख्याल आपको तो नहीं मालूम होगा कि मेरी डायरी कहाँ पे है। तब तो ठीक है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो डायरी नहीं मिलती है तब तक साबुन नहीं मिल सकता। कम ऑन, सब डायरी ढूंढते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम डायरी ढूंढने में, अगर हम इतनी मेहनत करते साबुन ढूंढने में तो नहीं। क्यों? हर चीज कायदे और कानून से होनी चाहिए। गेट। ओके। तुम दुकानदारी करते हो या मजाक करते हो? अरे ना तो मैं दुकानदारी करता हूँ, और ये जो मजाक हो रहा है ये तो मुझे कतई पसंद नहीं है। और सच बात बताऊँ मैं सुबह से नहाया तक नहीं हूँ। बाहर में क्या तुम्हारा नहाना, पहले ये बताओ कि ये क्या है। मैं क्यों बताऊँ? तुम्हें तो बताना पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है, मैं नहीं बताता। बता भी दीजिए, इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात? अरे मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ। ठीक है आप मुझसे पूछिए। कल मैं इस दुकान से खाने वाला सोडा खरीद कर ले गई। घर जाकर मैंने इसे मिलाकर बच्चों को कुछ चीजें तलकर खिलाई। ये चीजें खाते ही बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगी, और बच्चों के डैडी के तो कान से भी झाग निकल रहा है। ये थोड़ी आसान पहेली है। अरे बुझो तो जाने ना, कपड़े धोने का सोडा होगा। हाय राम, मैंने अपने बच्चों को कपड़े धोने का सोडा खिला दिया। अरे बहन जी तो क्या हुआ, बच्चों का पेट तो धुल गया होगा ना। भगवान करे तेरे भी कान से झाग निकले। आप क्या लेने
के लिए आए थे। साबुन। अब तो आपको साबुन की जरूरत नहीं है, दो लोटा पानी डाल लीजिए और ऑफिस चले जाइए, सारी गलाजत धुल जाएगी। अन्ना मजा आ गया, गुप्ता की दुकान में जो भी ग्राहक जा रहा है ना, रोता हुआ वापस जा रहा है। अयो क्या रोता हुआ, वो कर्नल के पास से 75 रुपया गुप्ता कमा गया, 75। अरे रोता क्या है अन्ना, जब वो कर्नल को होश आएगा ना, वो गुप्ता की जेब से 175 वसूल कर लेगा। ये यहाँ कहाँ ले आए तुम? सर यही थोड़ा फर्स्ट एड करा लेते हैं, फिर बाद में डॉक्टर के पास चलेंगे। टीचर साबुन मिल गया ना, ऐसे एक दिन हमें वो डायरी भी मिल जाएगी और फिर हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। यस मैडम। सुनिए, आपके पास फर्स्ट एड का सामान होगा कहाँ? हाँ? उस साहब ये 5 रुपए दस पैसे। हेलो पटीचर। मेरा भाई अनुपम खेर। ये कौन है? हमारी फिल्मों का मेन विलन। अरे हमारी फिल्मों के मेन विलन, आइए सर बैठिए साहब। अरे साहब आप यहाँ आइए, यहाँ आइए सर, बैठिए ना सर, प्लीज बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आइए सर। क्या हुआ सर? हमारी दुकान में मेन विलन आया, आप उनकी बेइज्जती कर रही हैं? अरे बेइज्जती तो यही उस वक्त होगी जब तू इस गुंडे के साथ जेल की चक्की गई थी। नहीं मैडम, पास ही में शूटिंग चल रहा था, फाइट सीन चल रहा था, अचानक साहब के गर्दन में मोच आ गई, दवा लेने आए। देखो मुझे पहलाने की कोशिश मत करो। हाँ मैं सब समझती हूँ, इस गुंडे को पुलिस की गोली लगी है और ये उनसे छुपने के लिए यहाँ छुपा है। अरे मैं जानती हूँ ये तुम्हारा बॉस है और तुम सब इसके चमचे हो, मैं जाकर पुलिस को बताती हूँ, तुम सब तस्करी का धंधा करते हो, मैं जानती हूँ। अरे पैसे तो देते जाइए। अरे पैसे मेन विलन को मारा? नहीं सर आप बैठिए सर, प्लीज चोर तो नहीं सर, आप बैठिए सर, नहीं सर आप प्लीज। देखो बाकी है, अगर तुम वो अनुपम केयर को मिलने गया तो देख लेना तुम्हारा नौकरी से छुट्टी। अरे अन्ना अन्ना, वो मेरे को किधर एक्टिंग का चांस दिलाएगा तो तेरा क्या जाएगा? नहीं ये इज्जत का सवाल है, बाकी है तेरे को कुछ करने का दिल करता है ना तो जाओ वो फाटीचर को पीटो। अन्ना तुम घी के डब्बे का पैसा तो नहीं काटेगा ना? जाओ ना ही काटेगा। बस तुम इनको पकड़ कर रखना, मैं बैंडेड लेके आता हूँ। तुम बैंडेड? अनुपम खेर के ड्राइवर का नाम मालूम है? आप कहाँ चले, देखिए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जी आपकी तारीफ। मैं मीना की मम्मी हूँ। जी मैं सभी नहीं खा सकता, मुझे भूख नहीं है। ओहो हमसे ही फॉर्मेलिटी, चलिए ना खाइए ना। लेकिन ये है क्या? मेरी मम्मी जैसी गाजर की हलवा वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता। देखिए ना मैंने इसमें बादाम किशमिश काजू सब कुछ तो डाला है। तो ऐसा करिए इसमें तड़का भी लगा दीजिए। आप तो बड़े नॉटी हैं। जी लीजिए ना। जी मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज रहने दीजिए। मीना तुम कहो ना इनसे खाने को। मैं क्यों कहूँ, तुम तो खिला रही हो। ये दर्द से मरे जा रहे हैं, आप इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? वो कर्मा में जब दलीप साहब ने आपको झापड़ मारा था तो आपने क्या डायलॉग बोला था? ये वाला नहीं। तो मैडम आप सुना दीजिए ना डायलॉग। अरे भाई तुम ये क्या, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। क्या हुआ माय डियर? चोट यहाँ नहीं है, गर्दन में मोच आई। आपको कहीं देखा है? जी मैं शैम्पू बेचता हूँ। जिससे बाल ऐसे हो जाते हैं? जी नहीं ऐसे हो जाते हैं। गुप्ता जी नमस्ते। फटीचर सर ये जो आदमी गया अभी, इसके बालों में और मेरे बालों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है क्या? नहीं गुप्ता जी आपके बाल बहुत ज्यादा घने, लेकिन आप सुबह से थे कहाँ?
कर्नल मिल गया था, बंदूक लेके मुझी को ढूंढ रहा था, फिर क्या 75 रुपए की जगह 125 रुपए देने पड़े। आप तो खुश हो ना, पड़ गई ठंडक तुम्हारे सीने में, किस वालिया ने समझे अनुपम खेर के साथ फोटो। बस एक अभागा मैं ही रह गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज उस फटीचर के बच्चे को जान से ना मार दिया तो मेरा नाम भी बाकी नहीं। अयो मारो मारो कुल के मारो। सुबह से एक फूटी कौड़ी की बिक्री नहीं हुई, वाह वाह, ऊपर से सारा फर्स्ट रेट का सामान उस न्यूज रीडर पे नौशावर कर दिया, वाह क्या जीनियस सेल्समैन रखा है हमने। मुझे से कह जा रहा है, शट अप, डोंट टॉक टू मी पापा जी, डोंट टॉक टू मी। मुझे से कह जा रहा है। और जो तुम्हारी मम्मी ने 250 ग्राम हलवा खीर खिला दिया गाजर का टकले को, उसका कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये आप ही हैं दुकानदार? दुकानदार जी? हाँ था कल तक, पर आज तो वो बात पास्ट टेंस की हो चुकी है। देखिए ना, उल्लू का पट्टा लगता हूं, है ना? Excuse me, is she crazy? Yes, sir. Hmm? And what about you? She's absolutely fine, sir. Thank you very much. अब क्या चाहिए सर? Well, I'll have tea. मीना, एक कप चाय लाना। हट, एक कप चाय लाना। मैं तेरी नौकर हूँ। मजाक, मजाक कर रही हैं। गुप्ता जी की बेटी है ना? नमस्ते कीजिए आप। By the way, ये दुकान कैसी चल रही है? फसला चल रही है सर। सामने वाली दुकान के सेल्समैन बांके ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी सर, लेकिन आज सुबह मैंने सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी सर। बस अब तो ऐसा है सर कि जैसे ही हमें वो लाल डायरी मिल जाएगी, हमारी बिक्री फटाफट शुरू हो जाएगी। डायरी सर? किसकी डायरी? वो छोटी सी प्यारी सी लाल डायरी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हु इज शी? ये इनके अंकल हैं। अच्छा, क्या लिखा था उस डायरी में? इसकी आत्मकथा। अच्छा ये बताइए कि क्या आपकी दुकान पर कोई अनुपम खेर नाम का गुंडा आया? हम आपको क्यों बताएं कि वो आया था? क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि आप लोगों के उसके साथ कुछ गैर कानूनी ताल्लुकात हैं। आपको चाहिए क्या सर? मैंने कहा था ना चाय चले जी। नहीं, मेरा मतलब उसके अलावा सर। कुछ नहीं। कुछ नहीं, आपने गुप्ता जी की बेटी को नमस्ते तो की नहीं, आप यहाँ पे चाय पीने के लिए चले आए? देखिए मैं तो यही कहूंगा ना, क्योंकि अगर मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूं और यहां किसने आया हूं, तो फिर मैं जासूस ही कैसा? अच्छा तो आप जासूस हैं? आपको कैसे पता है? हम भी जासूस थे सर। आई सी। अच्छा तो फिर आपने ये जासूसी करना छोड़ क्यों दिया? आप सच में जानना चाहते हैं सर? यस। क्या सर कि जब घटिया टाइप के लोगों ने ये काम शुरू कर दिया ना, तो मैंने ये काम छोड़ दिया सर। I beg your pardon? नहीं, अब देखिए ना, कहने का मतलब ये निकलता है कि जब आप किसी दूसरे के फटे में हाथ डालने की कोशिश करते हैं ना सर, तो उसका कोई फायदा नहीं होता सर। आपका नाम क्या है सर? धर्मचंद। हेलो सर। वही तेरा हिमायती, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। What? Would be murder? Hold! Hold! अब एक सामने से ले लेते हैं, सेट कंप्लीट हो जाएगा। All! Smile please! No, get that killing smile! Thank you! ये फोटो सेशन यहाँ करना जरूरी है, बाहर क्यों नहीं करते? अरे हाँ, मैं बाहर बहुत अच्छे अच्छे पोज दे सकता हूँ। नहीं, मेरे लिए तो दो ही काफी हैं, और फोटोग्राफ्स की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए बेटा, चुपचाप बाहर चल, वरना फटीचर का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूंगा। Excuse me, you leave me alone. अरे चल, leave me alone, तेरे तो चल। अरे भाई साहब, जो कुछ खरीदना है उधर हमारी दुकान से खरीदो, इधर सब दो नंबर का माल है। मैं तो किसी को लेने आया। ये तो दाल में कुछ काला नजर आता है। Excuse me, उस आदमी का नाम क्या है?
कुछ गंदा सा नाम रख लिया है उसने, फटीचर। वो तो कब का मेरे डर के मारे भागा भागा फिर रहा है। माफ कीजिए, अगर आप अनुपम खेर नाम के गुंडे के आदमी नहीं है तो वो आदमी वहां काउंटर के नीचे बैठा है। क्यों बे, मुझे क्यों नहीं बताया? बाहर चल, सारी रात तेरे से फोटो ना खिंचवाए ना तो मेरा नाम भी बाकी नहीं। चल, आई बेग योर पार्डन। चल बाहर निकलो, कब तक काउंटर के पीछे छिपे रहोगे? आप इसे कहां ले जा रहे हैं? तुम्हें तो अभी दुकान भी बंद करनी है। कौन है आप? इसी नालायक से पूछो कि मैं कौन। ये वही लेखक, राइटर। मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं एक कहानी लिखना चाह रहा था और उसके लिए मैंने एक मुख्य पात्र की कल्पना की। ओह, जैसे हिंदी पिक्चर में हीरो होता है वैसे। हाँ, तो अभी तक मैं उस किरदार को ही पूरा नहीं बना पाया तो उसके लिए कहानी कहां से बना सकता था। मगर इस अधकचरे पात्र को किसी कहानी के साथ जुड़ने की ऐसी जल्दी पड़ी थी कि वो खुद अपने लिए कहानी तलाशने निकल पड़ा और कुल मिलाकर आप लोगों से और इस दुकान की कहानी से जुड़ गया। इसने अपना नाम भी रख लिया, फटीचर। तुम ही बताओ, ये भी भला कोई नाम है? फटीचर। मैं इसे एक डायनामिक हीरो बनाना चाहता था, एक ऐसा कैरेक्टर जो दुनिया में तहलका मचा दे और इसके लिए एक ऐसी कहानी कि जो लोगों के दिलों को छू जाए। मगर देखो, देखो इसकी शक्ल, कमबख्त यहां जोकर बनकर खड़ा हुआ है। हाँ, ये कुछ ऐसा तो नहीं है जैसे आपने सोचा है, पर देखिए ना, आदमी बहुत अच्छा है, कितना जज्बाती, कितना इमोशनल। और फिर दुनिया में ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, घोचू। अब आप मुझे ही देख लीजिए, हर आदमी उस हीरो की तरह थोड़ी हो सकता जो आपने सोचा है। तुम तो मेरे साथ चलो, मैं कहता हूं बाहर निकलो। देखो, बहुत सोच समझकर मुझे तुम्हारा कैरेक्टराइजेशन तैयार करना है, एक सही कहानी बनानी है, समझे? ये सब फूहड़पन करके जो तुमने मेरी बेइज्जती करवाई काफी है, और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, तुम दुखी मत हो, हो सकता है इसे मैं तुम्हारी कहानी के साथ ही जोड़ दूं। इस कैरेक्टर पर मुझे बहुत काम करना है, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। देखो, कमबख्त को ढंग से चलना भी नहीं आता।